सो दोस्तों, आज है संडे और मैं आ चुका हूँ संडे क्यू एन ए की कमेंट बॉक्स वीडियो लेकर। यानी कि मैंने जो एक पोस्ट किया हुआ था, मैंने 5-6 दिन पहले ही पोस्ट कर दिया था कि भाई अगले संडे क्यू एन ए करूँगा, तो जिनके भी भाई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सवाल किए हैं कुछ लोगों ने, सवाल किए हैं ज़्यादा, इस बार सवाल नहीं आए हैं, हो सकता है लोग बिजी होंगे, त्यौहार चल रहा था भाई बिहार में, छठ पूजा, इधर दिवाली और बहुत सारे त्यौहार चल रहे थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन क्वेश्चंस आए हैं और सही आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों इन्हें बना लेते हैं। तो भाई अगर आपने भी क्वेश्चन किया था तो हो सकता है आपका भी क्वेश्चन पिक किया गया होगा। ठीक है, और पिक किया गया है तो इसका आंसर भी डेफिनेटली मिल ही जाएगा, तो वीडियो पूरी एंड तक देख लेना। ठीक है, तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जो अपना जो है एक एक करके कि किस तरीके से जो है मैं क्या क्या क्वेश्चन के आंसर देने पड़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है टेक्नो रविंद्र 55 की तरफ से। तो भाई का जो क्वेश्चन है, भाई का क्वेश्चन है कि भाई मेरा चैनल डिलीट हो गया है 112,000 सब्सक्राइबर वाला, क्या आप सपोर्ट करेंगे? बहुत सारे यूट्यूबर्स को मेल कर चुका हूँ बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो देखो, आपका 112,000 सब्सक्राइबर्स का अगर चैनल डिलीट हुआ है तो सबसे पहली बात तो आपकी कोई ना कोई फेस वैल्यू तो ज़रूर बन गई होगी। ठीक है, अगर आप फेस वैल्यू वाला कंटेंट बनाते हो, ठीक है, और अगर आपकी फेस वैल्यू नहीं है, आप कोई शॉर्ट्स चैनल चलाते हो, तो भाई मैं शॉर्ट्स चैनल में क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ? क्योंकि जब तक आपकी खुद की कोई फेस वैल्यू नहीं होगी, मेरी हेल्प करने से क्या होगा भाई? आपको 10-20 लोग, 50 लोग सब्सक्राइब कर देंगे लेकिन वो आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि भाई वो तभी देखते हैं जब आपका कंटेंट अच्छा होता है और आप अच्छा कंटेंट बनाते हो। ठीक है, तो शॉर्ट्स चैनल तो आप दोबारा भी खड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर आपका लॉन्ग कैटेगरी का कोई चैनल था, ठीक है, और आप वो बनाते थे, तो मैं उसमें आपकी जो मेरे से हेल्प बन पड़ेगी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, बाकी जो भी आपको हेल्प चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो भाई जो भी आपको हेल्प चाहिए मेरा जितने से बन जाएगा, क्योंकि मैं अभी कोई बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, तो जितना मेरे से बन सकेगा मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ भाई, कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत हेल्प करने से मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आया है वो आया है सूरज जाधव 07M की तरफ से। इनका क्वेश्चन है, भाई सबका एक ही सवाल रहता है और अपने चैनल को ग्रो कैसे करें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो देखो, सबका सवाल ये इसलिए रहता है क्योंकि सबको पता है कि YouTube पर अगर हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा तो भाई हमें 4 पैसे मिलने लगेंगे। ठीक है, अब लेकिन ये क्वेश्चन तो सबका ये रहता है कि चैनल ग्रो कैसे होगा, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि मैं ये चीज़ सीखूं कि चैनल ग्रो कैसे होता है। अगर ये चीज़ सीख लोगे ना कि चैनल ग्रो किस तरीके से होता है, तो शायद मेरा मानना ऐसा है कि आपको ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं किसी से कि भैया चैनल ग्रो कैसे होता है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि चैनल ग्रो करने के लिए ना, जब आप यूट्यूब पर आ रहे हो तो आने से कम, मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा कि आप 6 महीने सीखो, नहीं, आप कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का समय दो और सारी चीज़ें YouTube के बारे में सीखो कि YouTube पर जो है किस तरीके से हमें चैनल बनाना होता है, सेटिंग्स कैसे करनी होती हैं, SEO का पूरा काम क्या होता है, किस चीज़ से कौन सी वीडियो चल सकती है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। और एक चीज़ बताऊँ, फर्जी यूट्यूबरों के चक्कर में पड़ना मत। फर्जी का मतलब समझ रहे हो, जो सिर्फ आपको मोटिवेशन ही देते हों। मोटिवेशन का मतलब सिर्फ पैसा दिखाएं और हमने ये ले लिया, देखो हम थार ले आए, आज हम स्कॉर्पियो ले आए, आज हम मतलब वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सिर्फ उनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो व्यूज़ के लिए आपको कितना भी गुमराह कर सकते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो जेन्युइन जो क्रिएटर हूँ भाई, मोटिवेशन मैं भी देता हूँ बट लिमिटेड, मैं दोनों बातें रखता हूँ, मोटिवेट आपको मैं करूँगा लेकिन साथ ही ये भी कहूँगा कि भाई लक भी थोड़ा बहुत तो मैटर करता ही ना भाई, लक तो जरूरी है, समझ रहे हो, हार्डवर्क जरूरी बट लक भी जरूरी। हार्डवर्क से आपको रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बट लक अगर आपका काम देगा ना तो बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगी, तो ये चीज़ ध्यान रखो। तो आप जो ग्रो करना है ना, तो पहले आप अगर सीख के काम करोगे तो ग्रो कर पाओगे, बाकी ग्रो करने का यही है कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करो, आपके चैनल पर जल्दी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है MKSK कॉमेडी की तरफ से। इनका जो क्वेश्चन है, इनके एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भाई अभी कितनी अर्निंग हो जाता है टेक चैनल से और कॉमेडी चैनल से? ठीक है, तो भाई सबसे पहले बताऊं कि टेक चैनल से मेरी कितनी अर्निंग हो जाती है, इसके ऊपर तो मैं हर मंथ तो नहीं, लेकिन हाँ 2 मंथ में वीडियो बना ही देता हूं कि भाई इस महीने की मेरी पेमेंट कितनी आने वाली है। तो आप लोग रेगुलर अगर रहते होते
तो भाई आपको ये चीज़ पता होती कि मेरी अर्निंग कितनी हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब आप रेगुलर वाले हमारे व्यूवर्स नहीं हो, ठीक है, इस चैनल के। अब आप पूछ रहे हो कॉमेडी चैनल से, तो भाई बता दूं कि कॉमेडी चैनल जो है वो उस पर कोई व्यूज़ ज़्यादा, मतलब व्यूज़ गए तो क्या, जाते हैं लेकिन उन पर वीडियो ही नहीं डाल पाता हूँ, वीडियो नहीं डलेगी तो पैसे नहीं बनते हैं, तो वहाँ पर पैसे का कुछ नहीं हुआ, पर एक पेमेंट आई है अभी टोटल उस चैनल से, अगर आई होगी तो मुझे वो भी शायद मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो उस पर क्योंकि 3,500 सब्सक्राइबर्स हैं यार, कॉमेडी चैनल है तो पेमेंट मुश्किल ही है, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कॉमेडी चैनल से एक तरीके से कह सकते हैं कोई अर्निंग नहीं है, बाकी इस चैनल से अभी पिछले मंथ जो आई थी अर्निंग वो आई थी $150 की। ठीक है, अब इस मंथ कितनी आएगी कोई पता नहीं, अभी तो चल रहा है। ठीक है, सो इतनी अर्निंग हो जाती है। सो आपका ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। दूसरे की बात कर लेते हैं भाई, आप कैमरा एंड माइक एंड लाइट कौन सा यूज करते हो? तो भाई मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं कैमरा यूज करता हूं कैनन का 200D। ठीक है, 200D कैनन का कैमरा यूज करता हूं, उसके साथ एक लेंस यूज करता हूं। ठीक है, साथ ही साथ आप बोल रहे हो कि माइक, तो ये जो माइक है ना, इस माइक का मुझे सच बताऊं तो कंपनी मैंने देखा ही नहीं, इस माइक का जो है बॉक्स रखा हुआ है इधर इधर, वो रखी हुई है ड्रेसिंग टेबल, तो उसमें इसका बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, तो माइक के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कोई ज़्यादा महंगा माइक नहीं है। ठीक है, 5-6 हज़ार का होगा माइक। ठीक है, तो इसका जो है मैं टैग व्यू प्रोडक्ट में जो आता है ऑप्शन, वहाँ पर मैं इससे बेटर माइक आपको टैग कर दूंगा, तो आप वहाँ से खरीद लेना अगर आप माइक लेना चाहते हो तो। ठीक है, तो अच्छा माइक लो, ये तो काफ़ी पुराना हो गया है, तो इसके ऊपर अब जो है पैसे मत इन्वेस्ट करना। ठीक, बाकी लाइट का आप बात कर रहे हो, तो लाइट सबसे पहले जो पीछे आपको कलर्ड लाइट दिख रही है RGB, तो यहाँ पर एक लाइट तो आपको दिख रही होगी, ये छोटी सी जल रही है, इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ ₹200 है, और एक जो पीछे येल्लो कलर की आपको लाइट दिखाई दे रही है इसकी कीमत भाई ₹500 है। ठीक है, तो इतनी मैं लाइट यूज करता हूँ, और जो सामने ये लगी हुई हैं लाइटें, ठीक है, तो मैं बताऊँ लोग 6,000, 7,000, 10,000, 15,000 तक के सॉफ्ट बॉक्स लाइट लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ ₹400 में मैंने यहाँ पर दो जो ऊपर ट्यूबलाइट लगती हैं, शायद ट्यूबलाइट ही बोलते हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट मैंने लगा रखी है, एक ऊपर एक नीचे, बस दो ट्यूबलाइट हैं, यानी कि टोटल का है तो मेरा जो सेटअप है ₹1,000 का है लाइटिंग का, बस मैं ज़्यादा खर्च नहीं करता हूँ, लाइट मेरी ₹1,000 की है। ठीक है, बाकी हाँ स्टूडियो में बाकी सामान तो बहुत सारा है, तो यही है बस। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है, लाइट तो नॉर्मली यूज करता हूँ, बाकी आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है, सो आई होप आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हो गए। अगला जो क्वेश्चन है वो है श्री कृष्णा जियानी की तरफ से, इनका क्वेश्चन है, हेलो भाई हेल्प, मेरा चैनल मोनेटाइजेशन कैसे करता है? भाई आपका चैनल मोनेटाइजेशन कैसे करेगा, जैसे सबका करता है वैसे ही आपका करेगा। अब आप शायद ये क्वेश्चन करना चाहते हो कि भाई चैनल मोनेटाइज कैसे करते हैं, तो भाई चैनल मोनेटाइजेशन के लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पर, और अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड होना चाहते हो, हमसे नॉलेज चाहते हो इस चीज़ को लेकर कि मोनेटाइजेशन कैसे करना है क्या करना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, आपका जो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, कैसे आप मोनेटाइजेशन करोगे स्टेप बाई स्टेप आपको तरीका समझा दूंगा। ठीक है, सो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सॉन्ग्स CY2CI की तरफ से, इनका क्वेश्चन है यूट्यूब चैनल की शुरुआत कब किए? तो भाई देखो, इस चैनल की जो शुरुआत हुई थी इस वाले की, तो इसकी हुई थी शायद से 7 सितंबर 2021 को। ठीक है, 7 सितंबर 2021 को मैंने इस चैनल को ऑन किया था, बट उसके बाद मैंने इसे 6 महीने चलाया ही नहीं था। ठीक है, यानी कि एक तरीका है 1 साल इस पर कोई वर्क नहीं हुआ था, ये कह सकते हैं कि 2022 में मैंने काम स्टार्ट किया, वो भी लास्ट में। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ओनली पूरी 23 निकली हुई है और ये 24 निकल गई है, तो यही बस इतने दिन हुए हैं, 2 साल मान सकते हैं यार, 2 साल हो गए यार, 15,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, शर्म कर लो यार भैया, यार तनिक मनिक सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, तो बस मैंने बता दिया कब शुरुआत की थी, तो इतने क्वेश्चन मैंने आज लिए थे, बाकी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो अगर आपका क्वेश्चन कोई रह गया है और आपका आंसर मैं नहीं दे पाया हूँ तो उसके लिए सॉरी। अगले संडे को मैं फिर Q&A करने की कोशिश करूँगा, जो कि मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूँगा, तो वहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आप वहाँ पर कर सकते हो, अगले संडे में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आशा करता हूँ आपको सभी लोगों को जो है मैं सेटिस्फाइड कर पाया हूँ अपने आंसर के थ्रू। अगर सेटिस्फाइड कर पाया हूँ, आपको लगता है कि मैंने आंसर सही दिया, तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाली यूजफुल और नॉलेजफुल वीडियो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखिए, वंदे मातरम, जय हिंद।